हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी इलास्टिसिटी चैप्टर के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं। देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है फोर आइडेंटिकल हॉलो सिलिंड्रिकल कॉलम्स ऑफ माइल्ड स्टील सपोर्ट अ बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास 50,000 kg। 50,000 kg के किसी बहुत बड़े मास को चार आइडेंटिकल स्टील के रॉड जो है वो क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ऐसा कुछ होगा। इसका मास कितना है, 50,000 kg। ड्रॉइंग बहुत अच्छी है मेरी, तो बेयर कीजिएगा। चलिए तो आगे आते हैं। क्या बोल रहा है, इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ ईच कॉलम आर 30 cm एंड 60 cm। ठीक है, तो गिवन वैल्यूज लिखते चले क्या। सबसे पहले तो गिवन वैल्यू लिखना बहुत जरूरी है, तो जरूरी है तो मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 50,000 kg। और अगर मास से आपको फोर्स निकालना हो तो आप mg निकालेंगे, तो ये 50,000 × 9.8, ये क्या निकल गया, फोर्स निकल गया। दूसरा जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस 1 आप मान सकते हैं 0.3 meter, 30 cm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। और रेडियस 2 अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये क्या है, 0.6 cm। एज्यूमिंग द लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूनिफॉर्म, लोड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, कहने का क्या मतलब है कि चारों पर बराबर लोड है। ठीक है, किसी के साथ ज्यापती नहीं की है, चारों पर बराबर भार दिया है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूनिफॉर्म, कैलकुलेट दी स्ट्रेन, स्ट्रेन पूछ दिया, पूछ क्या रहा है, स्ट्रेन। और गामा की वैल्यू गिवन है कितनी, 2 × 10⁻¹¹ pascal। ठीक है, तो क्योंकि चारों पर लोड जो है वो सेम है, तो हमारा जो एफ डैश हो गया, हमारा जो रिक्वायर्ड एफ होगा वो 50,000 × 9.8/4 हो जाएगा। ठीक है, और गामा की वैल्यू गिवन है, तो गामा इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और तो यहां से स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन गामा, और स्ट्रेस अपॉन गामा हो जाएगा, तो स्ट्रेस को आप क्या लिखते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्ट तो गिवन नहीं है, तो फोर्स अपॉन एरिया इनटू गामा। अब एरिया में थोड़ा सा क्या है, लोचा है कि एरिया कितना होगा, क्योंकि दो इनर रेडियस और आउटर रेडियस गिवन है, तो एरिया जो होगा वो ऐसा लिख सकते हैं क्या, एरिया बराबर पाई r2² - r1² मतलब पाई r2 की वैल्यू कितनी है, 0.6² माइनस r1 की वैल्यू कितनी है, 0.3² सारे वैल्यू पता है, एफ पता है, ए पता है और गामा पता है, स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे रख दीजिए ना, एफ कितना है, 50,000 × 9.8/ एरिया है पाई 0.6² - 0.3² गामा की वैल्यू 2 × 10⁻¹¹। ये आपका क्या गया, स्ट्रेन आ गया, और इसी स्ट्रेन को आपको क्या करना था, निकालना था। बाकी आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन खुद घर पर करेंगे, हमें सिर्फ यहां क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सीखने हैं। थोड़ी मेहनत आप घर पे भी करें, ठीक है, मेहनत करेंगे तभी कुछ फायदा होगा, नहीं तो मैं तो डेली आके एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करता रहूंगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के न्यूमेरिकल्स के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे।